अपना सर परमोद YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो कि आपका स्नैपशॉट इंग्लिश का बुक है उसका चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड का नाम है द एड्रेस। क्या नाम है? द एड्रेस। ठीक है, इस किनके द्वारा है? तो बाय मार्गा मिनको के द्वारा है। यह जो है कि स्टोरी एक दुख भरी स्टोरी है जो कि इस स्टोरी में ऐसा होता है कि जैसे में कि हम लोगों का सब कुछ होते हुए भी हम लोग किसी को अगर दे देते हैं तो उन लोगों से जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वे लोग नाम नहीं लेते हैं कि आप चाहे आपके परिवार वाले हमको कभी दिए हुए थे। ठीक है, तो यह दुख भरी स्टोरी है। इस स्टोरी को समझने के लिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है कि यह लेडी है, इस लेडी को जो है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस गर्ल को, तो इस गर्ल का मम्मी जो है कि इस लेडी को बहुत हेल्प किए हुए थे पहले। हेल्प करने में जो है कि बहुत सा चांदी का सामान दिए हुए थे। जबकि ए लेडी आकर के इनसे पूछती है तो ए लेडी के पूछने पर ए नाम नहीं लेती है। बुढ़िया ए नाम नहीं लेते हैं तो ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें समझना होगा कि यह जो गर्ल है, यह गर्ल अभी रहती थी शहर में। ठीक है, दूसरी जगह रहती थी और ये लेडी जो है कि अपना घर में ही रहती थी। इसका स्टोरी में जो है कि इसको बताया गया है डॉर्लिंग 46 इसका एड्रेस है इस लेडी का। और यह जो है कि अलग रहा करती थी शहर में। और यह लेडी जो है कि अलग क्यों रहती थी, तो यह लेडी डॉर्लिंग 646 जो एड्रेस है इसी एड्रेस के बगल में इस बुढ़िया के बगल वाले ही घर में जो है कि यह गर्ल रहा करती थी। फिर उसका मम्मी लोग जो है कि शहर जाने लगे तो वे लोग चल बसे थे यहाँ से, तो वे लोग जा करके फिर शहर में बस चुके हुए थे। जबकि गर्ल जो है कि यहाँ पे आती है वापस इसलिए आती है कि ये जो है कि अपनी मम्मी का जो पड़ोसी थे इनसे मिलने के लिए आती है। चलिए, इसमें फिर मिलने के लिए जब आती है मिलने के लिए तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये बुढ़िया है, यही है मार्गा मिनको। मार्गा मिनको, मार्गा मिनको, ठीक है, इसमें एस सी होगा, जी लिखा है गलती से, मार्गा मिनको। इसमें देखिए क्या होता है कि जो मिलने के लिए आती है सबसे पहला नंबर की आती है और दरवाजे पे आकर के और बोलती है कि ये एड्रेस जो है कि हम शहर से आए हुए हैं, पहले हम लोग आपके बगल में रहते थे और यहाँ पे हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या आप मेरी मम्मी को जानते थे? ये अपना जो है कि मम्मी का पता बताती है और बोलती है कि मैं बगल में रहा करती थी, आप मेरी मम्मी को जानते होंगे, और मम्मी का कुछ पहचान बताती है। जबकि यह जो है कि लेडी जानते हुए भी, यह लेडी जानती थी, यह पहचान गई थी, फिर भी जो है कि यह झूठ बोल देती है कि हम नहीं जानते, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि यह लेडी मना करती है। यह जो है कि यह बार बार पूछने की कोशिश करते हैं इससे कि आप मुझे जानते हैं, आप याद कीजिए, हम लोग बगल में रहा करते थे, आपके पड़ोसी थे जब आपका यहाँ घर था, तो और हम लोग आपके यहाँ बार बार आया करते थे, आप भी मेरे यहाँ आया करते थे जबकि अब हम लोग शहर में चल गए हैं। तो यह जो है कि पहचानने से इनकार कर देती है बार बार इसको। तो इसमें फिर आगे देखिए क्या होता है, पहचानने से इनकार करने के बाद बार बार पूछती है, उनके दरवाजे पर ही रुक करके बार बार पूछती है। और फिर लास्ट में जो है कि यह लेडी अपना दरवाजा को बंद कर देती है, भेज देती है, कहती है कि नहीं पहचानते तुम जा सकती हो। ठीक है, लेडी जो है कि अपना दरवाजा को बंद कर देती है अंदर घुस करके। इसके बाद क्या होता है कि यह दरवाजा लॉक हो जाता है जिसका कि क्या एड्रेस का नाम था, डॉर्लिंग 46। ठीक है, डॉर्लिंग 46 इसका एड्रेस था, यहाँ पे यह जो है कि आई हुई थी। उसके बाद इसमें क्या होता है कि लॉक कर देती है। यह जो है कि यह लड़की जो जिनका स्टोरी है, यह लड़की नाराज हो जाती है और उसके बाद जो है कि अपना स्टेशन की ओर चल देती है, यानी कि ट्रेन से आई हुई थी और स्टेशन की ओर जाने लगती है वापस जाने के लिए, क्योंकि इसको तो पहचानने से इनकार कर दिया जा रहा था, तो यह कहाँ रुकती, इसलिए जो है कि यह अपना घर वापस जाने के लिए स्टेशन पर जाने लगती है। यह बार बार सोचते जाती है कि जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तो हमारी मम्मी इसको बहुत मदद की थी, बहुत सारा सामान जो है कि इनको दिए हुए थे मेरे मम्मी, और बहुत सारा ऐसा
ऐसा सामान था कि जो कि चांदी का सामान था, ये सारा ले करके जाया करती थी, जबकि इसका एड्रेस डार्लिंग 46 था, डार्लिंग 46। और इस एड्रेस पर जब हम आए तो हमको जो है कि पहचानने से इनकार कर दिया जा रहा है। यही सोच करके यह आगे की ओर बढ़ती है। उस समय फिर आगे क्या होता है कि जैसे में कि यहाँ पे आगे की ओर बढ़ती है, यह जो है कि वापस जाने लगती है स्टेशन पर, ठीक है, अपने रेलवे स्टेशन जाने लगती है। देखिए यहाँ से घर से निकल चुकी है, रेलवे स्टेशन की ओर चल रही है, जाने लगती है। उसके बाद जो है कि यह बार बार याद करती है कि हमको पहचानने से इनकार कर दिया गया, घर का दरवाजा को लॉक कर दिया गया, पहचाना नहीं गया हमको, जबकि वह जानती होगी फिर भी नहीं पहचानती है। अब देखिए वह सोचती है कि जब हम लोग यहाँ रहा करते थे तो हम लोग यहाँ रहते थे तो हमारी हमारी मम्मी जो है कि मम्मी हमारी क्या करती थी। लड़की यही है, यही स्टोरी बता रही है। वह बोल रही है कि हमारी जो मम्मी थी वह जो है कि अपने पड़ोस के लिए बहुत सा सामान जो है कि चांदी का और बहुत सा लोहा का भी था, स्टील का भी था, जबकि चांदी का सबसे ज्यादा सामान था जो कि पड़ोसी को दे दी थी। और वही पड़ोसी जो है कि आज हम लोगों को बचाने से इनकार कर रही है, ठीक है। तो यही बार बार उसका दिमाग में चलते रहता है, इतना चलता है दिमाग में कि दिमाग में कहा जाता है कि जैसे में कि एक ही चीज को बार बार, अगर अच्छा चीज हम लोग किसी को हेल्प किए और हेल्प करने के बाद वह नाम नहीं लेता है तो बार बार सोचने से जो है कि दिल को अच्छा नहीं लगता है और जो है कि हम लोगों को आंसू भी आ सकता है, रुलाई आने लगता है उस समय जब हम लोगों को याद कोई याद करने से भूल जाता है। जैसे में कि हम लोगों को कोई पहचानने से इनकार करता है तो हम लोगों को जो है कि बहुत दर्द होने वाली बात पहुंचती है हम लोगों के पास। तो यही इसके साथ हुआ था। और वह जो है कि यहाँ पे जितना भी चांदी का बर्तन दिख रहा है ये सब कौन ले गई थी, इसके पड़ोस वाले, ठीक है, इसके इन दोनों के जो पड़ोसी थे वह लेके गए थे। और वह तो इतना सारा सामान लेकर के गई थी कि समझो कि कोई घर में आता है तो कुछ लेने के लिए ही आता है सोच करके, उस टाइप से आती थी और बैग वगैरह थैला वगैरह लेकर के आती थी और लेकर के सारा चला जाती थी, भर भर के ले जाया करती थी थैला में, ठीक है। यह स्टेशन की ओर बढ़ती हुई जा रही है, स्टेशन की ओर वापस जाने के लिए सोचते हुए जाती है। फिर भी जो है कि वह इस बात को सोचती है कि जब थैला लेकर के आती थी और सारा सामान को लेकर के जाती थी, फिर भी यही जो है कि यही लेडी जो है कि इन्हीं के पास यह लड़की गई हुई थी मिलने के लिए, और इसकी मम्मी ही है, तो यानी कि मम्मी की बात बताई तो मम्मी इसका गुजर चुके थे, अभी रहते तब तो आ जाते तो पहचान लेती तुरंत, लेकिन यह जो है कि लड़की जो है कि इनसे पूछती है तो पहचानने से इनकार कर दिया जाता है। और ये जो लेडी है, लेडी जो है कि बैग भर करके सामान ले जाया करती थी और सबसे ज्यादा चांदी का सामान ले जाया करती थी, ठीक है। यही बात को सोचते हुए वह आगे की ओर बढ़ती है और पहुंचती है कहां पर, स्टेशन पर, ठीक है, स्टेशन पर पहुंच जाती है और स्टेशन पर बैठ जाती है। स्टेशन पर बैठने के बाद इसका दिमाग में बहुत सारा चीज चलते रहता है, बचपन का याद जो अपने मम्मी के साथ बिताई हुई थी और जहाँ पे मिलने आई थी इस लड़की ने, तो वही बात याद करती है और इसके जो है कि इसको अच्छा नहीं लगता है, रोना आने लगता है या रोने लगती है, ठीक है। रोते हुए भी फिर भी ट्रेन जो है कि लेट था, ट्रेन उस समय आने वाला नहीं था, तो रोते हुए भी फिर भी सोचती है कि एक बार क्यों ना हम फिर से वहां पर जाकर के फिर से उनको याद दिलाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यह जो है कि याद दिलाने के लिए फिर से उनके घर में वापस जाने लगती है, ठीक है। और जैसे ही वहां पे वापस जाती है तो अब की जो है कि वो फर्स्ट में जो लेडी निकली थी वह नहीं आती है, जबकि उनकी बेटी होगी शायद, एक 15 साल की लड़की यहाँ पे बाहर निकलती है। तो एक 15 साल की लड़की यहाँ पे बाहर निकलती है, इस लड़की को जो है कि यह लड़की निकलती है, बोलती है कि हाँ बोलिए आप कौन, तो ये बताती है और फिर ये लड़की बोलती है कि अभी तो मम्मी नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जबकि इसकी मम्मी जो निकली थी इतनी खराब थी, कहने का मतलब कि ये निकली तो ये तो बोलबो कि आप अंदर आ सकते हैं, जबकि इसकी मम्मी निकली थी तो कुछ नहीं पूछी जैसे में कि आप अंदर आएंगे कि नहीं, आइए आप मेरे गेस्ट हैं, दूर से आए हैं तो आइए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, कुछ नहीं पूछी थी, जबकि वह जो है कि पहचानने तक से इनकार कर दी थी। ऐसा होता है कि अगर लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई दूर से आता है तो उनको बैठा करके कुछ या तो एक गिलास
सिंपल पानी ही पिला दीजिए, वे बहुत अच्छा होता है। जबकि इसकी मम्मी जो है कि ऐसा कुछ नहीं की, और यह लड़की निकल करके बाहर आती है और बोलती है कि आइए आप अंदर आ सकते हैं, आकर अभी बैठिए, अभी मम्मी नहीं है, और अंदर ले जाती है, ठीक है। और अंदर लेकर के जब जाती है तब क्या होता है कि अंदर में जाती है जैसे ही, तो वह सोफा पर बैठ जाती है जा करके, और सबसे पहले इसको देखने का मिलता है लैंप का स्टैंड, मोमबत्ती स्टैंड जो होता है यह देखने के लिए मिलता है। तब उसको याद आता है कि यह जो है कि स्टैंड, यह स्टैंड मेरा है, जो कि यह मेरे बचपन में मेरे मम्मी से यह लेडी लेकर के आई हुई थी। अपने स्टैंड को अच्छी तरह से पहचान जाती है, और यह स्टैंड चांदी का होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सा ऐसा सामान था जो कि यह देखती है, जितना भी घर में सजाया हुआ सामान था, अच्छा अच्छा चांदी का, जितना भी सजावट का सामान था, सब इसी का था, जो कि यह बचपन में ले आई थी इसकी मम्मी से मांग करके, ठीक है। जितना भी सजावट का सामान है सब इसी का था, सारा सामान को यह पहचान जाती है, और घर में जितना भी सामान सजाया हुआ था इधर उधर सब इसी का था, ठीक है। इसमें देखिए फिर ये दोनों आपस में बैठ करके बातें करने लगते हैं, चाय के लिए पूछती है, यह जो है कि मिलने ये आई है अपने पहचान के लिए, और ये जो है कि लड़की 15 साल वाली है, यह जो है कि इससे चाय पूछती है, तो चाय लेकर के आती है, चाय बना करके, ठीक है, और चाय पिलाती है। जो चाय का प्लेट लाती है वह प्लेट तक से इसी का था, यानी कि एकदम कहा जा सकता है कि इन लोगों के घर वाला भिखारी था, सब लूट के बैठ गया था पहले से, ठीक है। यानी कि चाय का जो प्लेट है, कप देख रहा है, चाय प्लेट हो गया, बिस्किट का ये प्लेट हो गया, सब चांदी का था, और जबकि सब चांदी का प्लेट तक से इन्हीं का था, और इन्हीं को आज पहचानने से इनकार कर दिया जा रहा है। यह लड़की जो है कि लड़की से बात करते रहते हैं, ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं, और सारे सामान को जो है कि यह अपना सामान को पहचान जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या होता है कि स्टोरी आगे की ओर पढ़ता है, इसमें क्या होता है कि यह फिर वहां से नाराज होकर के, इसकी मम्मी है ही नहीं तो ये लड़की कहाँ से पहचानेगी, तो इस नाराज होकर के घर से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और इसको बहुत रोना आ जाता है, रोते हुए बाहर निकलती है। अब वहां से जब निकलती है तो फिर से जो है कि एक लड़की बोलती है, जिसके घर में यह आई हुई थी, तो ये लड़की बोलती है कि आप अभी क्यों जा रहे हैं, आप रुक जाइए, ठीक है, आप रुक जाइए। ये बोलती है कि आप अभी मत जाइए, मम्मी आ जाएगी कुछ देर में, आप रुक जाइए। लेकिन इस ये लड़की जो है कि जो मिलने आई थी, जो इनका स्टोरी है, अभी तो बूढ़ा हो चुके थे, बूढ़ा में अपना स्टोरी बनाया है, लेकिन जो है कि 23 साल की उम्र वाली बात बताए थे, तो वो जो है कि ये बोलते हैं, ये रुकते नहीं हैं, इसलिए नहीं रुकते हैं कि इनके दिल में इतना दर्द भर जाता है, ये सारा चीज को देख करके इतना दर्द भर जाता है कि इनका रुकने का दिल करता ही नहीं है, इनको रोना आने लगती है, ठीक है। अपने आंख से आंसू पोंछते हुए एक बाहर निकलते हैं, और सोचते हैं कि हम किसी तरह से अपने घर पहुंच जाए, हमको पूरा पहचानने से इनकार कर दिया जा रहा है, जबकि घर में देखा जा रहा है कि सारा सजावट का सामान वही जो मेरा बचपन का था, जो मेरे आंखों के सामने मेरी मम्मी दे दी थी, वही सारा सब सामान है, और अभी भी हमको पहचानने से इनकार कर दिया जा रहा है। यही सोचते हुए वे बाहर की ओर निकलती है लड़की। फिर इसमें क्या होता है कि रोते हुए बाहर की ओर निकलते हैं, और अपने घर जाने के लिए बहुत रोए थे, रोते हुए बाहर निकले, और वे अपने घर जाने के लिए वहां से चल देते हैं, ठीक है। और घर जाते समय एक बात और कि जब वह बाहर निकले, कुछ गेट से कुछ दूर गए 10 फीट 12 फीट, तो फिर से एक मुड़ करके देखते हैं एड्रेस को, कहीं गलती तो नहीं है, लेकिन वही एड्रेस था। एड्रेस का क्या नाम था? Darling 46। क्या नाम था? Darling 46, ठीक है, यही एड्रेस है। और इस एड्रेस को मुड़ करके भी जाते समय भी मुड़ करके देखते हैं, और आज इनको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, ठीक है। तब इस वहां से वे चल देते हैं और पहुंचते हैं वे स्टेशन की ओर, ठीक है, इतना ही तक स्टोरी है। और वे स्टेशन की ओर पहुंचते हैं, उस समय क्या होती है कि स्टेशन समय पहुंच जाते हैं स्टेशन पर, और स्टेशन पर बैठ करके बहुत रोए थे, और रोने के बाद उनके अंदर रोना तो आएगा ही, क्योंकि किसी का अगर सही बात जो होता है और उसको कोई भुला दे, अगर होते हुए भी कोई ना बताए, मना कर दे, तो उस समय दिल में दर्द सा भर जाता है। रुलाई तो एकदम आना कन्फर्म है, बहुत रोए थे और फिर अपने घर वापस गए हुए थे लास्ट में, ठीक है। तो स्नैपशॉट का
स्नैपशॉट का चैप्टर कौन सा था? चैप्टर टू। क्या नाम था? द एड्रेस। ठीक है, द एड्रेस का चैप्टर जो है कि स्टोरी इसका फिनिश हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही करना है। जय हिंद, जय भारत।